नमस्कार मित्रों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल पर जोरदार स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानने का प्रयास किया, उनकी शौर्य गाथा देखा, उनकी वीर गाथा देखा, उनकी ऐसी जलजले वाली कहानी देखा जो हमारे भारतीय इतिहास को बड़ा गौरवमयी बनाती है। आपके कमेंट से लगता है मित्रों आपको पसंद आया। जी हाँ, अगर वास्तव में ऐतिहासिक कहानियों से प्रेम रखते हैं तो आपको पसंद आएगा। हो सकता हो वीडियो के क्वालिटी में कमी हो, कैमरे की क्वालिटी में कमी हो, कुछ व्यवधान की वजह से जबरदस्ती एडिटिंग करते हुए उसमें कुछ कमियां हो गई हो, लेकिन भाव और ऐतिहासिक तथ्यों में कोई कमी मेरे ख्याल से तो नहीं है। मित्रों, अगर आपको पसंद आ रहा है, वास्तव में पसंद आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि देश का बच्चा बच्चा हमारी इन कहानियों को जाने, इतिहास पढ़िए, परीक्षा के लिहाज से, जानकारी के लिहाज से, लेकिन हमारे भारत को जानने के लिहाज से भी इतिहास बहुत ज़रूरी है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, ठीक है, आप पसंद आ रहा तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसको शेयर करिए, फैलाइए अपने दोस्तों में। जी हाँ मित्रों, और आजकल शिकायत आ रही है कि सब्सक्राइब करने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो कृपया करके भूलिएगा मत, वो बटन जो बेल वाला बटन है, घंटी वाला, उसको दबाइएगा। फिलहाल ये तो हो गई एक औपचारिक बात है कि बेल दबाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लेकिन हाँ, शेयर करने के लिए मैं बार बार कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि अपने भारत देश की कहानी बच्चा बच्चा जाने। चलिए आज दूसरे भाग में, चूँकि उनकी कहानी अधूरी थी, आधी अधूरी थी, इतनी बड़ी शौर्य गाथा को छोटे में समेटना ये मुमकिन नहीं था, तो थोड़ी बहुत जो कहानियाँ बची है आज मैं उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। आज मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, इसलिए कि जिससे हमारा कम से कम 5 से 7 मिनट बचत हो। जी हाँ मित्रों, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। तो एक कहानी आती है, हमने कहाँ तक देखा था, आल्हा उदल। जी हाँ, आल्हा उदल को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के माध्यम से हराया। आला को तो नहीं हरा पाए, आला उनको जिंदा छोड़कर चला गया। किस पटाक्षेप में वो चले गए कोई जानता नहीं है कि आला का फिर अंतिम परिणति क्या हुई। फिलहाल उदल मारे गए और पृथ्वीराज चौहान का महोबा पर अधिकार हुआ, परमार्थ देव भाग गए। हमने यहाँ तक देखा था। दो एक चीज़ और जान लेते हैं मित्रों, ये पृथ्वीराज थे कौन? पृथ्वीराज थर्ड थे। पृथ्वीराज फर्स्ट हुए, सेकेंड हुए, ये थर्ड थे, और इनकी उपाधि थी राय पिथौरा। राय पिथौरा इनकी उपाधि थी। और जो आल्हा उदल के साथ जो युद्ध हुआ था वो था तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध, जी हाँ मित्रों, जो 1182 में जो हुआ था, राजा परमार्थ देव, चंदेल वंश के राजा परमार्थ देव उत्तर प्रदेश में महोबा के दोनों सेनापति आल्हा और उदल के साथ जो युद्ध हुआ था उससे बोलते हैं तुमुल का युद्ध। उसके आगे की कहानी है कि चित्ररेखा मीर हुसैन। चित्ररेखा, जी हाँ मित्रों, पहले ये जानते हैं कि चित्ररेखा थी कौन। सिंधु, एक सिंधु नदी के किनारे एक प्रदेश था, जी हाँ, वहीं के एक राजा की स्त्री थी, बहुत ही खूबसूरत पुत्री थी, लड़की थी, और इस पर एक बार मोहम्मद गोरी का दिल आ गया। मोहम्मद गोरी प्रेम तो नहीं कर सकता था, ऐसे आतताई और क्रूर शासक किसी से प्रेम क्या करेंगे। हाँ, उसने कहीं पर देखा सुना और उसका मन मोहित हो गया। उसने उसके पिताजी से कहा कि इसको मुझे सौंप दो। पिताजी ने थोड़ी बहुत आनाकानी की तो उसने जबरदस्ती धमकाया और उसके बाद उसको अपने महल में लेकर गया। कहने का मतलब, इसको अपनी पत्नी बना लिया और उसके पिता को उसने मुसलमान बना दिया, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। जी हाँ, यहाँ तक तो ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, लेकिन चूंकि वो राजा था, मोहम्मद गोरी एक राजा था, और उसको युद्ध के काम से, संधि के काम से, दूसरे देशों के दुश्मनी निपटाने के काम से, अनुनय विनय करके गिड़गिड़ा कर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के काम से इधर उधर जाना पड़ता था। तो हुआ क्या, घर में ये मीर हुसैन, उसी का एक चचेरा भाई था, मोहम्मद गोरी का एक चचेरा भाई था मीर हुसैन, उससे प्रेम हो गया। इन दोनों का प्रेम हो गया, और जब मोहम्मद गोरी को पता चला तो क्रोध में उसने सोचा कि दोनों को खत्म कर दें,
दोनों को तलवार लेके दौड़ाता है, या ये कहिए कि मारने का प्रयास करता है, और ये दोनों भाग जाते हैं। कहाँ? पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। उन्होंने सोचा कि मोहम्मद गोरी का सबसे बड़ा दुश्मन पृथ्वीराज चौहान और बार बार हराने वाला पृथ्वीराज चौहान, चलिए वहीं पर चलते हैं। तो वहाँ पर दोनों चले गए। उसके बाद इसने कई लोगों को भेजा मूर्ख बनाने के लिए, मूर्ख बनाकर फंसा कर, यहाँ तक कि पत्र भी दिया पृथ्वीराज चौहान को कि सौंप दो उनको भाई, ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये हमारा निजी मामला है। जी हाँ, वो तो पागल था चित्ररेखा के लिए, लेकिन उस पर कोई दांव काम नहीं आया और मीर हुसैन बिल्कुल लौटा नहीं। तो इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पर आक्रमण कर दिया। अब पृथ्वीराज चौहान फिर अपने लाओ लश्कर के साथ आते हैं बचाने के लिए उसको, और वहाँ पर गोरी फिर पकड़ा जाता है, फिर कसम खाता है, फिर गिड़गिड़ाता है कि आज के बाद मैं भारत के ऊपर आँख उठा कर नहीं देखूँगा, फिर छोड़ दिया जाता है। वाह रे पृथ्वीराज चौहान, हमारे देश से खिलवाड़ करने का क्या उनके पास यही तरीका था? इस भारत देश को गुलामी में जकड़ने के लिए क्या उनके पास यही बहादुरी का ही पैमाना था, मोहम्मद गोरी जैसे इंसान को बार बार छोड़ देना? फिलहाल वो चला गया, हार गया, और ये सारी कहानी खत्म हुई चित्ररेखा और मीर हुसैन की। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि मीर हुसैन उस युद्ध में मार दिया गया, और मीर हुसैन के मरने के बाद इसने भी आत्महत्या कर लिया। दोनों बड़े अच्छे प्रेमी प्रेमिका साबित हुए। उसके बाद एक कहानी आती है सारंगदेव की, दूसरी कहानी मित्रों। सारंगदेव भीम, याद होगा आपको, गुजरात का शासक भीम, भीम द्वितीय का एक भाई था सारंगदेव। उसका एक पुत्र था प्रताप सिंह, और कई पुत्र थे, सारे नाम जानना आपको जरूरी नहीं है। तो प्रताप सिंह थोड़ा सा उद्दंड टाइप का बच्चा था, तो ये भी एक जगह के राजा थे। जब ये बूढ़े हो गए तो इन्होंने अपने पुत्र को प्रताप सिंह को राजा बना दिया। अब राजा बना दिया तो इसने मन में दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, यानी अपने अगल बगल के जो आवाम थी उसको परेशान करना शुरू किया। तो भीम द्वितीय ने उसको रोकना चाहा कि भाई ये क्या है, गुजरात में हम लोगों का एक अस्तित्व है चालुक्यों का, इतना बदनामी मत करो। तो लेकिन ये माना नहीं और दुश्मनी कर लिया अपने चाचा से ही। तो दौड़ाया भीम द्वितीय ने इनको भी, दौड़ाया मारने के लिए या पकड़ने के लिए। ये सारे भाई और इनके पिताजी सब लोग भागे पृथ्वीराज चौहान के यहाँ, ये भी भागे पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। उन्होंने शरण दे दिया, वहाँ पर रहने लगे, ठीक ठाक ढंग से रहने लगे। लेकिन गड़बड़ी हुई कि एक दिन प्रताप सिंह बैठा था पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बैठा था, और बैठकर अपने छत्रत्व का अभिमान दिखाते हुए अपने मूंछों पर ताव दे रहा था। तब तक काका कान, याद करिए पृथ्वीराज चौहान का वो शेर सेनापति, उससे देखा नहीं गया कि मेरे राजा के सामने कोई अपने मूंछों पर ताव दे बर्दाश्त नहीं हुआ, उठे और उन्होंने तलवार निकाला और उसके गर्दन को काट दिया, पूरे दो टुकड़े कर दिया तुरंत उनको। उसके बाद तो जैसे तबाही मच गई, उनके भाइयों ने काका कान पर आक्रमण किया। क्योंकि ये भाई भी जो थे ना, प्रताप सिंह के मारे जाने पर क्रोधित हो गए और उन्होंने आक्रमण किया। काका कान ने अकेले सबको काट कर रख दिया। ये बेचारे सारंगदेव भगे, फिर से भगे अपने भाई के पास। जब कष्ट आया तो फिर से खून काम आया, अपने भाई भीम के पास भगे और बढ़ा चढ़ा कर बताया कि मेरे पुत्र को इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के सामने काट कर रख दिया गया, आप भाई बदला लो। पृथ्वीराज चौहान को भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे दरबार में काट दिया गया किसी को। उन्होंने काका कान से पूछा कि ऐसा क्या हुआ, क्यों किया आपने ऐसा? तब उन्होंने कहा कि मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरे राजा के सामने कोई अपने मूंछों पर ताव दे। अब कुछ बोल ही नहीं पाए पृथ्वीराज चौहान, सब कुछ शांत रहा। फिर उसके बाद भीम ने कहा कि चलिए अब आक्रमण होगा, जमकर आक्रमण होगा, अब लड़ाई होगी, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। तो उनको चिढ़ाने के लिए क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने एक चुनरी भेजा और एक लाल पगड़ी भेजा कि जाओ, और किसको भेजा, चंदबरदाई को भेजा कि जाओ दे दो, है ना, पगड़ी पहन लें, क्योंकि पगड़ी गिर चुकी है उनकी, देश की रक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरे लाल चुनरी पहन लें, नारीत्व का प्रतीक उन्होंने दिया कि चलिए जाके
उनको चिढ़ाने के लिए। तो चंदबरदाई ने और कुछ मजाक किया, देखिए चंदबरदाई का मजाक, उन्होंने और कुछ मजाक किया, एक रस्सी लिया, एक दीपक लिया, एक सीढ़ी लिया, एक त्रिशूल लिया, एक अंकुश लिया और एक कुदाल लिया। कुदाल लेकर के जाकर के भीम के दरबार में, यानी राजस्थान से गुजरात में आ गए, भीम के दरबार में उन्होंने दिखाया। तो बड़ा क्रोधित हुआ भीम ने। भीम ने कहा कि ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ? कहा कि देखिए भीम जी, अब आपको पृथ्वीराज छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप कहीं छिप जाते हैं तो आपको दीपक दिखाकर खोज लेंगे, अगर आप कहीं कुएं में कूद जाते हैं तो आपको रस्सी से निकाल लेंगे, अगर आप कहीं तालाब में कूद जाते हैं तो जी हाँ एक जाल भी लिए थे, कहीं जाल से छान लेंगे, अगर आप कहीं अंतरिक्ष में छिपने का प्रयास करते हैं तो आपको सीढ़ी से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अंकुश रखेंगे अगर आप ज़्यादा भाग कूद उछल कूद करेंगे तो, और उसके बाद त्रिशूल से आपकी हत्या करेंगे। भीम क्रोध में पागल हो गया एकदम कि मेरे सामने होकर, लेकिन दूत की हत्या पाप थी। उसने कहा कि चलो अब युद्ध होगा, और युद्ध हुआ, जमकर युद्ध हुआ। और उसी युद्ध में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान पर वार करने ही वाला था, लेकिन काका खान आते हैं और उसके दो टुकड़े कर डालते हैं, भीम उसी युद्ध में मारा जाता है। जी हाँ, ये भीम द्वितीय इसी युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद इधर तो सब कुछ चल रहा था, मोहम्मद गोरी चढ़ाई हुआ था, कितनी बार हारा हुआ, कितनी बार पकड़ा गया, कितनी बार बेइज्जत किया गया, उसको छोड़ा गया और काफ़ी कुछ ले देकर छोड़ा गया। जी हाँ, तो तराइन का प्रथम युद्ध की भूमिका बन रही थी, जैसा कि मेरे ख्याल से सभी भारतीय लोग इसके बारे में सुने हैं, जानते भी हैं कि मोहम्मद गोरी पूरी भूमिका अपनी बना रहा था कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी, एक बार फिर से युद्ध होगा, हो सकता हो कि इस बार हम जीत जाएं, उसी आशा में बार बार आक्रमण करता था। तो तराइन ये हरियाणा में जगह है। मित्रों आपको पता होना चाहिए कि लगभग भारत के जितने मशहूर युद्ध हुए हैं, जितने प्रमुख युद्ध हुए हैं, वो ज़्यादातर हरियाणा में ही है। तराइन का युद्ध हरियाणा में हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध हरियाणा में हुआ, पानीपत का युद्ध हरियाणा में हुआ, ज़्यादातर युद्ध हरियाणा में ही हुए हैं। तो तराइन में उसने क्या काम किया, इधर से आके और यहाँ पर तराइन में अपनी सेना तैयार की, बहुत बड़ी सेना तैयार की, और पृथ्वीराज चौहान इधर से जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान और दोनों के सेना में भयंकर लड़ाई होती है। पृथ्वीराज चौहान भी सोचे कि चलो इसको फिर से एक बार पटकनी नहीं देते हैं, फिर कुछ ले दे के जो होगा देखा जाएगा, मतलब ये भाव नहीं था कि फिर उसको छोड़ा जाएगा, फिर पकड़ा जाएगा, क्योंकि युद्ध में कोई जाता है तो सिर्फ मारने के लिए जाता है, जीतने के लिए जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान और दोनों की लड़ाई हुई, और उसमें एक बड़ा अजीब घटना हुआ कि जब देखा कि मोहम्मद गोरी ने, उस कुटिल उस चालबाज ने जब देखा कि हम युद्ध फिर से हार रहे हैं, तो उसके सेना में एक महिला थी, युवती राजपूत वेश में, पुरुष वेश बनाकर वो धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान के पास तीर धनुष लेकर अपना जा रही थी मारने के लिए। लेकिन तब तक उसके पीछे एक और स्त्री राजपूत वेश में, सारे पुरुष वेश में उसके पीछे गई और उसको मार डाला। पता चला वो कौन थी, वो थी श्यामली। मित्रों ये श्यामली पृथ्वीराज चौहान के जिंदगी में एक ऐसी कहानी, अगर ये नहीं रही होती तो पृथ्वीराज चौहान शायद उनकी मृत्यु पहले ही हो गई होती, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी रक्षक थी ये। चूँकि एक बार मुलाकात कैसे हुई, एक बार आखेट खेलने गए थे तो ये अपने ऊंचे मचान पर खेत में खड़े होकर, मतलब खेत में एक मचान था उस पर खड़े होकर घुमा घुमा के पक्षी भगा रही थी। तब तक तो एक सुअर की आवाज़ पीछे से आई और उसने देखा, तुरंत तीर मारा, सुअर उसी समय जंगली सुअर था मर गया। पृथ्वीराज चौहान भी मारे लेकिन थोड़ा देर हुआ। जी हाँ, तो पहुँचते हैं तो वो डांट देती है कि अगर आपने थोड़ी देर पहले सुअर को मार दिया होता तो शायद मेरा सब फसल बच गया होता, काफ़ी देखिए बर्बाद हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान बड़ा खुश हुए, उससे पूछताछ किया, और जब पता चला कि यहीं पर रहती है, एक शेरणी की तरह रहती है, अकेले रहती है, तब वो अपने राजमहल में लेके गए उसको, और उसको अपनी अंगरक्षिका बना दिया। जो भी कोई पृथ्वीराज चौहान से मिलने आता था पहले श्यामली से होकर गुजरता था। तो कुल मिला जुलाकर श्यामली उनकी अंगरक्षक ही नहीं, जीवन रक्षक बनकर रही अंत समय तक श्यामली। एक और महिला का जिक्र आता है मित्रों, कर्नाटकी, चूँकि इनकी शादी बहुत हुई थी,
पद्मावती से शादी किया, इच्छन कुमारी से शादी किया, हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ संयोगिता की बात करते हैं, लेकिन शादी बहुत हुई थी। तो एक बार कर्नाटक में इन्होंने आक्रमण किया, कर्नाटक के राजा हार मान लिए, बेचारे छोटे से राजा थे, हार गए। तो वहाँ पर उन्होंने खुश करने के लिए एक कर्नाटकी नामक की एक नृत्यांगना दी उनको कि लीजिए हमारी एक अमूल्य धरोहर है, आप इसको ले जाइए दिल्ली में। और वो लेकर जाते हैं और इतने प्रभावित होते हैं, खूबसूरत तो थी ही, सुंदर तो थी ही, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का कोई गलत इरादा नहीं था, उन्होंने अपनी राज नर्तकी बना लिया, इसको कर्नाटकी को राज नर्तकी बना लिया। और कई पर्पस से स्पाई मतलब जासूस बनाने के पर्पस से भी, और यद्यपि इस कर्नाटकी ने सोचा कि मैं प्रेम करूं पृथ्वीराज चौहान का, प्रेम पाऊं, लेकिन श्यामली ने उनको सटने नहीं दिया कभी जीवन भर तक। तो ये भक्त बनकर रहीं, हाँ कोई प्रेम सुख नहीं पाई इनसे। लेकिन एक बार नाटक किया पृथ्वीराज चौहान ने, एक बार नाटक किया, कर्नाटकी से झूठ मूठ का झगड़ा किया और यह भाग कर चली गई कहाँ, कन्नौज। यह भाग कर चली गई कन्नौज के राजा जयचंद के यहाँ, जी हाँ। और पूरा हल्ला हो गया कि कर्नाटकी जैसी राज नर्तकी पृथ्वीराज चौहान से नाराज होकर चली गई वहाँ जयचंद के पास। जयचंद भी खुशी खुशी उसको मिला लिया कि चलो अब कुछ राज जानने को मिलेगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जानने को मिलेगा। कर्नाटकी यहाँ पर चाल चल रही थी, दोहरा गेम खेल रही थी, वो कुछ जो न जानने लायक चीज़ें वो बता रही थी, जी हाँ, जो और जो बताने लायक नहीं थी वो बिल्कुल नहीं बता रही थी। मतलब कि पृथ्वीराज चौहान का काम धीरे धीरे हो रहा था। तो कर्नाटकी का यहाँ पर रोल बहुत बड़ा हो जाता है जब वो जाती है वहाँ पर जयचंद के पास। उसके बाद एक ऐसी कहानी हमारे सामने आती है जिसके वजह से हम लोग पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं, पहचानते हैं। जी हाँ मित्रों, उनके मित्र चंदवरदाई ने अपने किताब पृथ्वीराज रासों में जिस असली कहानी का वर्णन किया है जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान की प्रेम गाथा इतनी अमर है, अब वह सही है या गलत, इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई ऐसी कहानियाँ नहीं हुई थी, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि हमारे पास कुछ और मानने के साधन नहीं हैं, हमको मानना पड़ेगा कि चंदवरदाई ने जो कहा है उस पर बहुत सी बातें सत्य हैं। जी हाँ मित्रों, चंदवरदाई ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रणय लीला का जो वर्णन किया वो बेमिसाल है। यद्यपि पता नहीं क्यों पृथ्वीराज चौहान की कई और शादियाँ हुई थी, और इसी प्रकार अपहरण कर करके किया था उन्होंने इच्छन कुमारी, जी हाँ चंद्रावती की राजकुमारी इच्छन कुमारी को भी इन्होंने अपहरण किया था। दूसरे से शादी इनकी होने वाली थी लेकिन पिताजी ने मना किया, उसके बाद इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मैं पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती हूँ, इनको वो लेके चले गए, इनसे शादी किया। पद्मावती वाली भी यही कहानी थी, पद्मावती भी बिल्कुल उनसे शादी करना चाहती थी, उनका भी अपहरण करके लेके चले गए। और इधर भीमदेव या और भी जितने राजा थे सब देखते रह गए। लेकिन संयोगिता की कहानी कुछ और भी है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की एकमात्र पुत्री थी, जी हाँ इनको कोई पुत्र नहीं था, और बहुत लाडली थी, प्यारी थी। अब कहते हैं कि इनका संयोग जो हुआ पृथ्वीराज चौहान से मिलने का, उसका कई कारण बताया जाता है, मतलब कई कहानियाँ बताई जाती है। कभी होता है कि सपने में इन्होंने देखा उसके बाद प्रेम हुआ, कभी हुआ कि बगीचे में मुलाकात हुई तब प्रेम हुआ, कभी होता है। लेकिन ज़्यादातर एक कहानी और मिलती है बड़ी बेहतरीन, कि चूँकि पृथ्वीराज चौहान के जो चित्रकार रहते थे, है ना, कमाने का एक माध्यम बनाया था उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान के मूँछों वाली जो फोटो होती थी लाजवाब बेहतरीन योद्धा वाली, वो ले जा कर दिखाते थे, बेचते थे, उनको बढ़ा चढ़ा कर बताते थे और पैसा लेते थे। तो एक बार कन्नौज में वो पहुँचा और संयोगिता अपने सहेलियों के साथ वहाँ खेल रही थी, उन्होंने देखा, पसंद आया, उनके बारे में पूछताछ किया, तो चित्रकार ने बढ़ा चढ़ा कर बताया। वही हाल उसने भी किया कि ले जाइए हमारी फ़ोटो ले जाइए, दिखाइए अपने महाराजा को, महाराजा भी देखे तो प्रभावित हुए, तो इस प्रकार से प्रेम हुआ। कई कहानियाँ मिलती हैं, आप ये जानिए कि दोनों में प्रेम हुआ। तो जब पता चला जयचंद को, चूँकि हमने पहले भाग में ये चर्चा किया था मित्रों कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपसी दुश्मनी बहुत ज़बरदस्त थी, बिल्कुल एक तो दिल्ली पर अधिकार, दूसरे राजपूताना खून का आपसी टकराव, ये बड़ा गड़बड़ था। तो जयचंद ने देखा कि यह तो पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती है,
तीनों ने कहा कि नहीं भाई, अब स्वयंवर होगा, तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी होगी और तुम खुद चुनोगी। और उन्होंने इंसल्ट करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया, उनकी एक द्वारपाल की लकड़ी की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर टांग दिया कि बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, बैठेंगे, वहाँ पर स्वयंवर होगा, हमारी पुत्री जिसको मर्जी करेगी जयमाल पहनाएगी। स्वयंवर माने मित्रों आप जानते भी होंगे, महाभारत रामायण में देखा होगा, भगवान राम का देखा था कि जिसके गले में है ना हजारों राजा बैठे रहेंगे, जिसके गले में मन किया डाल दिया उन्होंने। तो स्वयंवर का सारा यहाँ पर खेल रचा जाने लगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, मेरे रहते हुए संयुक्ता किसी और की हो जाए ये गड़बड़ है। तब चंद्रवरदाई ने सुझाव दिया कि भाई अगर प्रेम किया है तो उसको पाना सीखो और पाने के लिए अपने पूरे जीवन को सताना सीखो, चलो चलते हैं। तीनों ने पनवाड़ी का रूप पकड़ा, चंद्रवरदाई एक पनवाड़ी बने। चंद्रवरदाई को देखिए चिट्ठी मिली थी, न्योता मिला था कि आप आइए उन्हीं को जलील करने के लिए। तो चंद्रवरदाई पनवाड़ी बने और ये उनके नौकर बने, पृथ्वीराज चौहान उनके नौकर बनते हैं और दोनों जाते हैं किसी तरह और 1100 सेना लेकर, मात्र 1100 सेना लेकर जाते हैं और पीछे एक जगह छिपा देते हैं सेना को कि आप लोग तैयार रहो। जी हाँ, और कुछ लोगों को इधर उधर करके अपना घुसा देते हैं राजमहल में, अपने भी घुस जाते हैं। और उनकी अगवानी करने के लिए जयचंद दौड़ के आते हैं, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की नहीं, चंद्रवरदाई की। और वहाँ तारीफ करते हैं कि आप जैसा कवि हमारे दुश्मन का दोस्त है, लेकिन हम क्या करें, आइए हमने किसी वजह से पृथ्वीराज चौहान का न्योता नहीं दिया लेकिन आप आइए। लेकिन आंखें देखकर और राजशाही वैभव देखकर, मतलब यद्यपि नौकर बने थे लेकिन चेहरे की ऐसी रौनक थी जिसको देखकर थोड़ा शक हुआ, जयचंद को शक हुआ कि कौन है। तब तक कर्नाटकी आ रही थी, उसने झटके में देखा, चूंकि उसकी आंखें बड़ी तेज थी, देख कर पहचान गई घरी पृथ्वीराज चौहान इधर है। तो उसने अपनी घूंघट काट लिया, घूंघट निकाल लिया और इसको जयचंद ने देखा और तुरंत निकालने के बाद फिर से उल्टा कर दिया, है ना, इशारा किया जब चंद्रदाई की तुरंत निकालो तो इशारा कर दिया, लेकिन जयचंद ने पकड़ लिया था। उसने पूछा कभी तुमने घूंघट रखा क्यों, घूंघट उतारा क्यों। कहा माई बाप मैं पहले इन्हीं के दरबार में थी, दिल्ली में ही थी और दिल्ली के दरबार की राजनर्तकी थी, तो मेरा फर्ज था, जी हाँ मेरा फर्ज था इनका सम्मान करना, हो सकता हो ये मेरे जेठ हो, मेरे ससुर लगे हैं, तो कहने का मतलब ये मेरे यहाँ से आए थे तो मैंने ससम्मान उनके घूंघट निकाला, लेकिन तुरंत घूंघट फिर से उतार दिया क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ की गणिका हूँ, यहाँ की राजनर्तकी हूँ, तो आप इसमें मत उलझिए। लेकिन जयचंद को शक हो चुका था, जयचंद को शक हो चुका था कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। पहली बात कि पृथ्वीराज चौहान का वह तेज और दूसरी बात कर्नाटकी का यह व्यवहार। फिलहाल वो चला गया और अपने सैनिकों को जाकर सावधान कर दिया कि सावधान रहना, कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पर कभी भी पृथ्वीराज चौहान आ सकता है। उसने सबको चैतन्य कर दिया बिल्कुल। और इधर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई ने भी थोड़ा सा चेताया कि सावधान हो जाओ, अब तुम नज़र में आ चुके हो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हम दोनों को कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, सावधान रहना। और इधर सब तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां सब चल रही हैं स्वयंवर की, लेकिन उसके पहले संयोगिता ने बुलाया, पत्र देकर एक लोगों के माध्यम से पत्र देकर बुलवाया बगीचे में और वहाँ पर मुलाकात कर उनने बताया कि कल ऐसे से होगा, स्वयंवर होगा, आपको वहाँ पर रहना है, मैं आपके गले में जयमाल डालूंगी और आपको लेकर जाना है, अगर आप मुझे सही में प्रेम करते हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और प्लानिंग के अनुसार सब कुछ तय हुआ, जाकर पृथ्वीराज चौहान वहाँ पर छिप जाते हैं। और उधर क्या हुआ, राजमहल में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सूरमा वीर बैठे हुए थे हजारों की संख्या में, और कोई मूछे पे ताव दो रहा है, कोई अपने वक्षस्थल को फुला रहा है, कोई अपनी, जी हाँ, युवावस्था को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हो सकता हो हमारे ही गले में डालें जयमाल। लेकिन संयोगिता इधर उधर कई बार फेरा मारती है, नहीं डालती और जाकर अंततोगत्वा उसी लकड़ी की मूर्ति में हार पहना देती है। जयचंद खौल जाता है, चिल्लाता है, संयोगिता ये तुमने क्या किया, हमारे दुश्मन राजा के गले में जयमाल डाल दिया,
लेकिन तब तक तो जब तक इधर चिल्ला चिल्ली होती है तब तक उधर पृथ्वीराज चौहान बाहर आते हैं और निकल कर बैठाते अपने घोड़े पर और सबको मारते काटते निकलते हैं। जी हाँ, जयचंद की सेना लाख प्रयास करती है कि हम रोक लें, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसा शेर वो मारते हुए काटते हुए निकलते हैं और निकलकर जो अपने सैनिकों को जो छिपाए हुए थे 1100 सैनिकों को लेते हैं। सेना आती, युद्ध भी होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है, लेकिन ये विजयी होते हैं। पूरे हजारों लाखों की सेना को, जयचंद की सेना थी, कन्नौज की सेना बहुत बड़ी सेना थी मित्रों, लेकिन सबको छकाते हुए हराते हुए निकल जाते हैं। कई जगह उनको चोट लगता है फिर भी उसके बाद निकल जाते हैं। चंद्रवरदाई भी फिर पहुंचते हैं, बाद में पता चलता है कि बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, उनके घायल पर मलहम लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है, ठीक ठाक होते हैं। लेकिन वह सारा कुछ भूल कर सारी चीज़ें होती है, संयोगिता का अपहरण हो जाता है। कुछ समय बाद वह प्रेम रस में पागल हो जाते हैं। जी हाँ, संयोगिता के चक्कर में ऐसे पागल होते हैं कि राजपाट, राजकाज, प्रजा, जनता सब भूल जाते हैं। तब सारे लोगों को चिंता हो जाती है कि अब तो राज भाग के भरोसे हो गया। जब हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान जैसे प्रतापी राजा ही राज की चिंता न करके अपने पत्नी के जुल्फों में खोए हुए हैं, तब चंद्रवरदाई को, उनके राजगुरु को, राजपुरोहित को, सबको चिंता हो जाती है कि अब क्या किया जाए। बार बार कुछ न कुछ भेजने का प्रयास किया जाता है, उनको जगाने का, उनको चेताने का, लेकिन संयोगिता भी उसी दिमाग की थी ना, चूँकि नए नए लोग थे, नई नई शादी हुई थी, नवयुवा थे, तो संयोगिता भी चाहती थी कि कोई डिस्टर्ब न करे। तो जब किसी के बस की बात नहीं रहे तो अगल बगल के राजा लोग, देखिए एक दो दिन की बात होती तो ठीक है, कई महीने हो गए और तब तक पृथ्वीराज चौहान अपने कमरे से निकले नहीं, लोगों के भरोसे राजकाज चल रहा था। तो अगल बगल के राजा लोग, कुछ लोग तो जो राह तक रहे थे कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए तो मजा आ जाए, हम लोग अपना सर उठा लें और स्वतंत्र हो जाएं। तो और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पृथ्वीराज चौहान को बहुत मानते थे। उनका मानना था कि अगर इस बंदे ने, इस राजा ने थोड़ी बहुत लापरवाही दिखाई तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो सकता है या दूसरी बाहरी शक्तियाँ आ सकती हैं यहाँ पर। तो उसी में एक थे हाहुली राय हमीर, इन्होंने जम्मू कश्मीर के थे ये राजपूत राजा, ये आते हैं और कहते हैं चंद्रवरदाई से कि तुम्हारा राजा किस गफलत में पड़ा हुआ है, देश के सारे गद्दार लोग सर उठा रहे हैं। यद्यपि इनकी भी तमन्ना थी थोड़ी बहुत राजगद्दी पर, दिल्ली के राजगद्दी पर इनका भी निगाह था, लेकिन फिर भी एक लगाव था कि चलिए ठीक है, अगर पृथ्वीराज चौहान होश में आते हैं तो अपना देश बच सकता है। तो इन्होंने एक पत्र लिखवाया, बड़ा सा पत्र भेजा कि जल्दी से जगा कर आओ, जल्दी से उठा कर लेके आओ पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन वह पत्र पड़ जाता है संयोगिता के हाथ में और पढ़ने के बाद उसको फेंक देती हैं और दासी से कहलवा देती हैं कि जाओ बोल दो कि भी राजा खाली नहीं है। ये कहाँ इतना बर्दाश्त करने वाले, उतना समझते हैं। उसके बाद वहीं पर चिल्लाते हैं, कसम खाते हैं कि ठीक है मैं इसका सबक सिखाऊंगा। सब लोग लाख प्रयास करते हैं समझाने का, लेकिन हाहुली राय वहाँ से निकल कर जाते हैं मोहम्मद गोरी के पास और उनको चढ़ाते बढ़ाते हैं कि ऐसे ऐसे है, बढ़िया मौका है, पृथ्वीराज चौहान इस समय अपने पत्नी के प्रेम में डूबा हुआ बंदा है, उसके ऊपर आक्रमण कर दो, बिल्कुल आप कब्जा कर सकते हो। इधर ये थे, इधर जयचंद था। जयचंद ने सोचा कि अच्छा है, एक तो उसके नाक कटी थी, उसके घर के सामने से उसके राज वंश के सारे सेनापतियों के, सारे योद्धाओं के सामने से उसकी पुत्री को अपहरण करके ले गया गया था। एक तो राजपुताना नाक कटी थी और दूसरी बात उनसे बैर था ही। वह भी मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया, मतलब आमंत्रित किया कि आप इस समय आइए, हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है मित्रों, ये राजपूत थे है ना, कि आपस में ही भिड़कर दूसरे सत्ताओं को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे थे। बार बार गलतियाँ हुई हैं हाँ। तो फिलहाल मोहम्मद गोरी उधर तैयारी करने लगा, लगभग 120,000 सेना को लेकर तैयार हुआ, उधर तैयारी कर रहा था। इधर जयचंद तैयारी हो रहा था अपनी पूरी सेना को लेकर मोहम्मद गोरी को मदद करने के लिए, कि अगर ये जीतेगा भाग जाएगा फिर मेरा राज हो जाएगा। और इधर क्या हो रहा था कि जब चंद्रवरदाई ने देखा कि कुछ हो नहीं रहा है, तब उनके बहनोई यानी
प्रथा, याद करिए मित्रों, मैंने बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की एक छोटी बहन थी प्रथा। प्रथा के पति थे रावल समर सिंह चित्तौड़ के राजा। चित्तौड़ में उस समय राजा थे छोटे से राजा रावल समर सिंह। तो उनको जाकर बुला के लेकर आए, समझाए बुझाए कि आप ही कुछ करिए। ये बेचारे आते हैं, चार दिन तक पड़ाव रखते हैं, चार दिन तक राज्य में रहते हैं, राजा का पता नहीं। चंदबरदाई बेचारे आगे पीछे भाग रहे हैं, उनके मेहमान नवाजी कर रहे हैं। हाँ, कई बार उनसे कहा गया कि जाकर भेजिए, लेकिन उनसे कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी संदेश जाता था संयोगिता उसको फेंक देती थी। तब उसमें एक बार इन्होंने कबूतर के गले में, या ये कहिए तोता के गले में, एक संदेशा भेजा और कहा कि जाकर देख आओ पृथ्वीराज चौहान को। बड़े संयोग से उस समय संयोगिता अपने बाथरूम में थी, बाहर थी, तो कबूतर लेकर जाता है और पृथ्वीराज चौहान को जब देता है तो देखकर उनकी आंखें भर आती हैं, रोने लगते, चिल्लाने लगते, अपनी पत्नी को डांटते हैं कि यहीं पर समर सिंह रावल समर सिंह आकर चार दिन से टिके हुए और मुझे खबर तक नहीं देगी। डांट डपट के वहां से निकलते हैं और जाते हैं, माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। रावल समर सिंह ने उनको इतना अपमानित किया, मीठा मीठा अपमानित, एक है ना कि आपको भला फुर्सत तो मिला माफी मांगने की, बाहर निकलने की, कई महीने से आप सारे साम्राज्य को भूलकर हैं, इतनी सारी चीजें बताई गई कि बार बार आपके पास भेजा गया लेकिन मिला नहीं, मतलब कोई ना कोई कारण जो भी रहा होगा। तब इन्होंने चेताया कि आप सावधान हो जाइए, जयचंद उधर से, मोहम्मद गोरी उधर से, हाहुली राय उधर से, सब लोग आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा। अब तराइन का सेकेंड वार होगा, यह तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ठीक एक साल बाद 1192 में अब तो होगा, वहीं पर होगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी वहीं पर प्लानिंग कर रहा है। सब लोग मिलते हैं, कुछ और राजाओं को, राजपूत राजाओं को मिलाते हैं, मिलकर एक सेना तैयार करते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान दो चार महीने के अपने संसर्ग के साथ बाहर निकले थे, उनके अंदर कितनी ताकत थी आप कल्पना कर सकते हैं। उनके जोश और जज्बात तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन शारीरिक ताकत तो छीण हुई थी। उसके बाद सब लोग निकलते हैं और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, बड़ा ही भयानक युद्ध होता है, बड़ा भयानक युद्ध होता है। उसमें कहानियां तो बहुत मिलती हैं, सारी चीज़ें अभी बताने बैठे हो तो बहुत, लेकिन इनके ज़्यादातर लोग, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान चूंकि जानते थे कि अगर अकेला मोहम्मद गोरी होता तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जयचंद भी इतनी बड़ी फोर्स लेकर, इतनी बड़ी सेना लेकर उनकी मदद कर रहा है। हाहुली राय भी अपनी पूरी लाव लश्कर के साथ, पूरी सेना के साथ मोहम्मद गोरी की मदद कर रहे थे। कहने का मतलब कि पृथ्वीराज चौहान को कई तरफ से घेरा गया था और उनके सेनापति बहुत बड़े चामुंड राय, कान काका कान तो पहले ही गुजर चुके थे, चामुंड राय भी मारे गए। और इतनी बड़ी युद्ध हुई, जान लीजिए छल बल कपट धूर्तता सब कुछ अपनाया गोरी ने, कैसे कैसे करके, कभी आगे से आना, कभी पीछे से आना, कभी बाएं दाएं से आना, सारी घुड़ा घड़ी तो उसने अपना लिया हराने के लिए। और वास्तव में पृथ्वीराज चौहान, चूंकि उनके अगल बगल वालों ने भी धोखा दिया, दुश्मनी किया, लोग सोच रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान हार जाए, भले मोहम्मद गोरी जीत जाए, जो होगा देखा जाएगा। चंदबरदाई ने भी, कहा जाता है कि चंदबरदाई ने भी बहुत बहुत बड़ा युद्ध कौशल दिखलाया था, क्योंकि वह सिर्फ गायक नहीं थे, सिर्फ कवि नहीं थे, सिर्फ दोस्त नहीं थे, बहुत बड़े योद्धा भी थे। लेकिन अंततोगत्वा जो होना था वही हुआ। और कहानियां तो बहुत मिलती हैं, श्यामली का मिलता है, श्यामली लड़ते 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 वहीं पर गिरी जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान गिरे थे, और उनके कदमों पर गिरती है। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान वहाँ लड़ते लड़ते अंत में वहीं पर मारे गए और उनके कदमों पर गिरकर श्यामली भी मारी गई। कुछ कहानियां मिलती हैं कि गजनी लेकर गया और वहां पर उनको मारा, बहुत बुरी तरह मारा। कुछ कहानियां मिलती हैं कि गजनी लेकर जाता है और वहां पर वो जो शब्दवेदी बाण वाला कहानी आपने सबने सुना होगा कि चंदबरदाई ने बढ़ा चढ़ा के कहा कि हमारे महाराजा जी शब्दवेदी बाण चलाते हैं। मोहम्मद गोरी ने कहा कि यह सब बकवास बात है, चलो मैं देखना चाहता हूँ। बैठा था मोहम्मद गोरी उधर और एक जगह निशाना लगाना था, लेकिन इशारा कर दिया चंदबरदाई, चूंकि कभी था ही कि चार बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, अब क्यों चूक चौहान। और उन्होंने ताड़ कर निशाना लगा करके कितना कितना बोला है कि चार बास 24 गज
मार दिया और मोहम्मद गोरी मर गया। कहानियां बहुत सी मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रमाणित यह है कि वहीं पर मार दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। श्यामली बेचारी उन्हीं के पैरों में रख कर मर जाती है, मतलब चरण रख अपना सर रख कर मर जाती है। और जब यह सुनता है जयचंद तो दिवाली मनाता है उस दिन, पूरे अपने साम्राज्य में दिवाली मनाता कि पृथ्वीराज चौहान जैसा आदमी मारा गया। और कल्याणी भी आत्महत्या कर लेती है, आत्महत्या क्या मर जाती है, झटका लगता है वो, कल्याणी नहीं सॉरी कर्नाटकी, वो भी मर जाती है। तो कुछ लोग जब यहाँ शोक मनाती हैं, एक कहानी ये भी मिलती है कि शोक मनाती हैं ये संयोगिता, तो वहाँ पर लोग उनको ताना मारते हैं कि आप क्यों शोक मना रहे हो, तुम्हारे वजह से पूरे साम्राज्य का विनाश हुआ, अगर तुम्हारी शादी नहीं होती, तुम्हारे चक्कर में पृथ्वीराज चौहान पागल नहीं होते, तो आज इस दिल्ली सम्राट को कोई हराने वाला नहीं था। तो उन्होंने भी शायद अपना खंजर निकाला और आत्महत्या कर लिया। कहीं कहीं उसके बाद भी कहानियाँ मिलती है कि अपने पिता के पास जाती हैं और फिर उसके बाद क्या क्या होता है। लेकिन घटनाएं इतनी उलझी हुई हैं प्राचीन भारत की कि सारी कुछ गड्ढमड्ढ हो जाता है। लेकिन चलिए हम इतना जान सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी बस यहीं तक थी। जो बंदी बनते हैं उसके बाद क्या हुआ उनके साथ कोई नहीं जानता। उनकी आँखें निकाली गई कि उनको मारा गया, तुरंत वहीं पर मारा गया, तड़पा तड़पा के गजनी में मारा गया, कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। फिलहाल ये कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। आप बताइएगा मित्रों जरूर आपको कैसा लगा, कमेंट करिएगा। अच्छा लगता है आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, कुछ कड़वी बातें भी बोलते हैं, लेकिन उसको उसी सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ। जी हाँ, अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलूँगा फिर एक नए कहानी के साथ, एक नए योद्धा के साथ। जी हाँ, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को आपके पास पहुँचाने का प्रयास जरूर करूँगा। पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करिएगा जो कि मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में फैले, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कम से कम आधे लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, और सब्सक्राइब के बाद वो बेल जरूर दबाइएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।